दो बहुओं का एक मायका। नेहा यार, मेरी ऑफिस की फाइल नहीं मिल रही। तुम्हारा टिफिन पैक करके आती हूँ रोशन। भाभी मेरी सीवी। ओ गॉड, आई एम गेटिंग लेट। मेरा इंटरव्यू है भाभी। ये काम वाली कॉपी अभी छुट्टी लेनी थी। अकेले मैं क्या क्या करूं? अकेले सब नहीं संभलता, तो प्रिया को बुला लेना बहू। कुछ दिन यहाँ आ जाएगी तो उसका दिल भी बहल जाएगा और तेरी मदद भी हो जाएगी। अपनी सास की सलाह मानकर नेहा अपनी बहन प्रिया को बुला लेती है। सभी प्रिया की हर समय तारीफ करते रहते हैं और ये देखकर नेहा को बहुत कुढ़न होती है। आज फुलवा का फोन आया था, कल सुबह से वो आने वाली है, तो अब तू फ्री है। क्या कर रही थी उसे बुलाने की दीदी? बेकार में 4,000 रुपए ले लेती है। अरे पर तू कब तक यहाँ रहेगी? हम घर वापस जाना भी है या नहीं है? क्यों क्यों नहीं रह सकती नेहा यहाँ भाभी? जिस तरह आप इस घर में 2 साल से रह रही हैं, उसी तरह नेहा भी रहेगी। मैं नेहा को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। एक तो कोर और अब उसमें खाज, एक तो ससुराल और अब उसमें बहन का राज। क्या कुछ भी बोल रहे हो गौतम, दो बहनों को एक ही घर में ब्याह कर नहीं लाना चाहिए। मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है बहू। अगर मेरे बेटे को प्रिया पसंद है तो इस घर में प्रिया ही बहू बनकर आएगी। और होता भी वही है। गौतम और प्रिया की शादी हो जाती है और प्रिया वही बहू बनकर आ जाती है। एक तू ही समझदार आई है, वरना इस घर में तो लगता है पैसे की नदी बह रही है, जिसे देखो हर काम के लिए एक नौकर लगा देता है। नहीं पापा जी, पैसे कोई पेड़ पर थोड़ी ना उगते कि जब मन चाहे तोड़ लिया। आप जीजू और गौतम इतनी मेहनत करते हैं, तब मुश्किल से 4 पैसे घर पर आते हैं। ऐसे पैसों को वेस्ट होता मैं नहीं देख सकती। और प्रिया सब नौकरों को हटा देती है और बचत से घर चलाना शुरू कर देती है। शादी के कुछ दिन बाद मैं सोच रही थी क्यों ना आज हम डिनर बाहर करें। क्यों बेकार का खर्चा करना है दीदी? मैं अभी बिल्कुल होटल जैसा खाना बनाकर तैयार कर देती हूँ। प्रिया की बात सुनकर नेहा को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो अपनी माँ को फोन लगाती है और कहती है, प्रिया मेरी देवरानी क्या बन गई? अपनी लक्ष्मी बदल लिया उसने। भले ही सगी बहन हो पर देवरानी देवरानी होती है। अब मैं एक छत के नीचे इस लड़की के साथ नहीं रह सकती। मैं आ रही हूँ मायके। अरे बेटा पर मेरी बात तो सुन। नेहा अपनी माँ की बात सुने बगैर ही फोन काट देती है। कहाँ जा रही हो बहू? न पूछा न बताया, जेठानी बनी हो तुम, सास नहीं बन गई? माँ जी वो मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना, मुझे मायके जाना होगा। मम्मी तो बिल्कुल ठीक है दीदी, अभी आधे घंटे पहले ही तो मेरी उनसे बात हुई है, और वैसे भी शाम को मैं उनसे मिलने जा ही रही हूँ। देखिए मेरे बैग तो कब से रेडी है। एक ही मायका है हम लोगों का, ये कैसे भूल गई मैं। हाँ बहू, वैसे भी पग फेरे के लिए भी प्रिया अपने मायके नहीं गई थी, आते ही काम काज में लग गई थी बेचारी। अब जब प्रिया वापस आ जाएगी ना, तब तू चले जाना मायके। ये कहाँ फंस गई मैं, ना यहाँ की रही ना वहाँ की। चलो अच्छा है मायके चली जाएगी तो कम से कम ससुराल में फिर से मेरी ही पूछ हो जाएगी। अगले दिन नेहा फिर से सभी नौकरों को काम पर बुला लेती है। क्या जरूरत है बहू फिर से इतने नौकरों को रखने की, एक ही घर की हो ना तुम दोनों। पर कहाँ प्रिया कहाँ तुम, एक बेचारी पैसे बचा कर चलती है और तुम्हें तो पैसे खर्च करने होते हैं। हर तरफ प्रिया की तारीफ सुनकर नेहा बुरी तरह पक चुकी थी। अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। पहला बच्चा तो मायके में ही पैदा करते हैं ना। अगर मैं सासू माँ से ये कह दूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो कम से कम 9 महीने के लिए मैं आराम से मायके में आराम तो कर सकूंगी। और प्रिया यहाँ पर सारा काम अकेले करेगी, तब उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। नेहा बाथरूम में जाती है और जोर जोर से उल्टियां करने लगती है। ओ, क्या हो गया तुझे अचानक? ज्यादा काम आ गया क्या तुझ पर? जा आराम कर, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ।
नहीं नहीं ससुर जी, ये बात नहीं है, ये तो खुशी की बात है, आप दादा बनने वाले हैं। नेहा की बात सुनकर उसके ससुराल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। बधाई हो संदन जी, आप दादी बनने वाली हैं। अरे पर आपको किसने बताया? अभी जब प्रिया भी होश हुई ना, तभी डॉक्टर ने बताया कि वो माँ बनने वाली है। मैं तो कह रही थी कि पहला बच्चा तो ऐसे भी मायके में ही होता है, तो मैं प्रिया को यहीं रख लेती हूँ, ठीक है ना? एक नहीं दो दो खुशखबरी है, क्योंकि नेहा भी माँ बनने वाली है, तो आपकी दोनों बेटियों का ख्याल तो आपको ही रखना होगा। ये सुनकर नेहा तो सदमे में चली जाती है, क्योंकि जिस बहन से वो भाग रही थी, अब मायके में उसी बहन के साथ 9 महीना रहना पड़ेगा। नेहा अपने मायके चली जाती है। 2 हफ्ते से तुम बिस्तर पर पड़ी रहती हो, इस तरह तो पेट का बच्चा कमजोर हो जाएगा। देख प्रिया को किस तरह दिन भर काम करती रहती है, जितना काम करोगी बच्चा उतना ही मजबूत पैदा होगा। प्रिया प्रिया प्रिया, बचपन से ही मेरी हर चीज को आप लोगों ने उसे दे दिया, फिर मेरा ससुराल भी और अब मायका भी। मेरे पीछे क्यों लगाना था आपको अपनी बेटी को मम्मी? अब तो मुझे लगता है ससुराल का बंटवारा करना ही होगा, क्योंकि मायके में तो वो होगा नहीं, क्योंकि आप सब तो वैसे भी प्रिया के प्यार में पागल हो ना। नेहा और उसकी मम्मी में बहस चली रहती है कि नेहा के सास माँ नहीं बनने वाली है समदन जी, क्योंकि आज ही हमारे बेटे ने हमें बताया कि वो कभी बाप नहीं बन सकता, और नेहा ये सब सगाई के वक्त से ही जानती थी, पर फिर भी उसने कभी एक चू नहीं की और ना ही कभी हमें खबर होने दी। जैसे ही प्रिया घर में आई, हम सब उसकी तारीफ और बढ़ाई में लगे रहते और नेहा की और कोई ध्यान नहीं देता था। तुमने बहुत बड़ा एहसान किया बहू, वरना कोई और होता तो कब का घर छोड़कर चला गया होता। हमें नहीं पता था कि हम तुम्हें इतनी ठेस पहुंचा देंगे कि तुम्हें माँ बनने का झूठा नाटक करना पड़ेगा, और यहाँ तक कि अलग होने की बात भी सोचनी पड़ जाएगी। नहीं नहीं सासू माँ, ससुर जी, आप लोग दुखी मत होइए, मैं कहीं नहीं जा रही। तुम हमारे घर की जेठानी हो और जेठानी ही रहोगी। बच्चों में अक्सर अनबन हो जाती है, सब एक से तो नहीं होते। मेरे ही बेटों को देख लो, अब ऑफिस का काम तुम संभालोगी और प्रिया घर संभालेगी। नेहा की सास गोमती कलेश के कारण को ही खत्म कर देती है, और नेहा अपने ससुराल वापस आ जाती है, और हंसी खुशी सब रहने लगते हैं।